पाँच रुपए लेता सोच करने के अंदर के, पाँच रुपए लेता हाँ मेट्रो पे देता, पाँच रुपए लेते हैं सोच सोच करने के, पाँच पाँच रुपए कौन जाएगा, तो थोड़ा आधे आधे घंटे बाद देना पाँच पाँच रुपए, इतना बंदा कमाता भी नहीं है तो भैया कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा उसको, तो कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई, एक तरह मजबूरी बन गई उन लोगों की। है क्या शौचालय और है 100 मीटर पे शौचालय, ऐसे वादे थे सरकार के कि हर घर शौचालय बनाए जाएंगे और है 100 मीटर पे। मैं बात करूँ यहाँ से पीछे मैं देखूँगा, मैं कैमरामैन से भी कहूँगा फोकस करें, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन है, मेरे पीछे थाना क्षेत्र और साथ ही साथ एक बस स्टैंड भी है और शारदा टर्मिनल का और शारदा रेलवे स्टेशन भी है, ऐसे तमाम सार्वजनिक चीज़ें होने के बावजूद यहाँ पर लोग खुले में शौच करके आते हैं, कहीं ना कहीं जो स्मेल है वो यहाँ तक आ रही है, मैं भी देख सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा स्मेल है कि यहाँ पे खड़े होने की हालत नहीं है, और ऊपर से चलता फिरता रोड है जहाँ पे महिलाएँ और सबकी माँ बहन और बेटियाँ बहनों सब यहाँ पे आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मक छवि जाती है, तो इसके ऊपर सरकार को कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। अब कैमरे के पीछे भी हमने लोगों से बातचीत की, हम वो भी खबर आपको दिखाएंगे क्या लोगों ने कहा और क्या लोगों को समस्याएं आ रही हैं। जिस तरीके से मैं सामने देख सकता हूँ यहाँ पे लोग खुले में सोच करके आ रहे हैं, स्मेल भी आती होगी क्योंकि सरकार की मुहिम भी थी 100 मीटर पे शौचालय बनाए जाएंगे, क्या कहना है इसका? वो तो है नहीं, यहाँ पे खुले में ही सब कर रहे हैं। अच्छा, इससे नुकसान क्या क्या हो रहा है यहाँ पे आप लोग? स्मेल तो आता ही है, रास्ते में चल रहे हैं तो स्मेल तो आता ही है, जो बाथरूम सब बाहर में खुले में ही करते हैं। जिस तरीके से सरकार वादे करती है कि 100 मीटर पे वो शौचालय होने चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और बीजेपी सरकार की भी मुहिम थी कि हर घर शौचालय है, तो उस पर क्या कहना है? यहाँ तो है नहीं, चाहे नहीं। जिस तरीके से मैं सामने देख सकता हूँ कि व्यवस्था इतनी ख़राब है ना, और लोग खुले में करके आते हैं, स्मेल यहाँ तक आ रही है, खुद आती है, बिल्कुल आती है। हाँ, तो शौचालय तो यहाँ होना चाहिए। हाँ, और दूसरी तरफ पीछे मेट्रो स्टेशन है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, और यहाँ ऐसे और यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, पुलिस स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी खुले में आती इंसान करता है, जबकि जगह नहीं है करने के लिए शौचालय। अच्छा, इसी वजह से है। तो मैं बात करूँ जो सब सरकार की मुहिम थी 100 मीटर पे शौचालय बनाया जाएगा, तो क्या यहाँ उसकी कार्रवाई नहीं होती कि 100 मीटर पे कोई शौचालय हो आगे या पीछे? नहीं, ये चीज़ तो नहीं है, ये चीज़ नहीं है भैया। मैं सोच देख सकता हूँ बाहर सामने खुले में लोग शौचालय करके आते हैं, सोच करके आते हैं, इससे क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं? इससे बीमारियाँ होती हैं, वायरस फैलता है और लोगों को वायरस लगता है, गंदगी होती है इससे रोडों पर। सरकार की एक मुहिम थी कि हम 100 मीटर पे शौचालय बनवाएंगे, और केंद्र सरकार का भी ये था कि हर घर शौचालय, ऐसी मुहिमें चल रही थी। बढ़िया बात है शौचालय बने तो, लेकिन यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं बताओ? अच्छा, इसमें तो हमारी गलती नहीं है, सरकार को देखना चाहिए। कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, अगर मान लीजिए बात जाए वहाँ तक, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, बनने चाहिए, अच्छी बात है तो बनने, लोगों को आसानी होगी, खुले में नहीं पेशाब करेंगे, दीवारें गंदी होती हैं, जब बीमारी फैलती है अच्छा नहीं लगता। क्या सबकी बहन बेटी निकलती हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा, बनना चाहिए। अच्छा, तो काफ़ी मैं बता दूँ, केजरीवाल सरकार ने भी वादे किए थे कि हम साफ सफाई की व्यवस्था रखेंगे, क्या लगता है इस हालत में सरकार अपना काम कर रही है? शौचालय बन जाए तो अच्छा है। अच्छा, क्योंकि बहन बेटियाँ तो सबकी निकलती हैं, अच्छा नहीं लगता ना। आदमी यहाँ मर्जी खड़े हो जाते हैं जी, यहाँ मर्जी खड़े हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर हम ही जा रहे हैं अपनी बहन बेटी को लेकर, कोई कर रहा हो तो फिर बाहर आती है वो, लोगों को लगती है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, और कोई दूसरा मुद्दा वायरस भी आ सकता है, आदमी में बीमारी बढ़ सकती है। तो जिस तरीके से काफ़ी लोग यहाँ पे, स्थानीय लोग भी काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और खुले में सोच करना ये बहुत गलत बात है, और उसके बावजूद कि सरकार की मुहिम थी कि हर 100 मीटर पे शौचालय बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आसपास सारे सरकारी संस्थान भी हैं, बात करें दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन और यहाँ पर शारदा पुलिस स्टेशन, और साथ ही साथ उसके पीछे बस स्टैंड भी है, उसके बावजूद यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है, लोगों को खुले में जाना पड़ता है, और यहाँ से महिलाएं भी निकलती हैं, और उनको भी जिस तरीके से, क्योंकि सबकी बहनें और सबकी बेटियाँ वहाँ से निकलती हैं, कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मक प्रभाव जाता है। अंकल जी बात करें, यहाँ से महिलाएं भी गुजरती हैं और लोग जिस तरीके से सोच करके आते हैं, तो क्या छवि आती है क्षेत्र में? मैं देखो यहाँ पर ये गंद तो है ही है सामने, ये जो लोग सोच करते हैं खुले में से करते हैं, एक वहाँ सोच बना रखा हो पीपल के पेड़ के नीचे बना रखा, वो गलत बना रखा, क्योंकि हम पीपल की पूजा करते हैं, उसके नीचे हिंदू धर्म पूजा सोच नहीं करना चाहता,
तो मजबूरी है उनकी बेचारे की, यहाँ सोच करते हैं वो, या तो कहीं आसपास में उनको सोच बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि पीपल के नीचे हिंदू धर्म कभी भी नहीं करेगा सोच, क्योंकि हिंदू एक पीपल को ब्रह्मा का वरदान, इनको ब्रह्मा वरदान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु का वरदान इनको, हम पीपल के नीचे कभी सोच नहीं कर सकते हिंदू धर्म के अंदर। बाकी ये कि सोच इनको आज कहीं आज बनाना चाहिए, आजकल क्या कि गवर्नमेंट सोच बने हुए थे थाने के पास, वहाँ भी तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। और तो सोच कहने के बनेगा, देखो सोच आएगा, सर्दी में सोच बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी में नहीं इतना आता, पसीने को नहीं आता, पर जब सर्दी में आता सोच रुकता नहीं है, आदमी कहीं भी खड़ा होकर करने लग जाता, लेडीज़ बेचार निकलती है शर्म के मार मुँह फेंक जाती हैं, क्या करें, यही हो सकता भाई, और क्या कर सकते हैं। बाकी सरकार की मुहिम थी कि 100 मीटर पे शौचालय बनाया जाएगा, और यहाँ पे सारे सार्वजनिक स्थान भी हैं, ऐसे मेट्रो रेलवे स्टेशन, उसके बावजूद भी भाई देखो शौचालय वो देखो बस अड्डे पे है वो 5 रुपये लेता सोच करने के अंदर के, 5 रुपये लेता है। हाँ मेट्रो पे देता 5 रुपये लेते हैं सोच सोच करने के, 5-5 रुपये कौन जाएगा, तो थोड़ा आधे आधे घंटे बाद देने 5-5 रुपये, इतना बंदा कमाता भी नहीं है, तो भैया कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा उसको, तो कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई, एक तरह मजबूरी बन गई उन लोगों की। ठीक, पंकज जी का यही कहना है कि यहाँ पे कहीं सोच है नहीं, लेकिन यहाँ से एक थोड़ी सी दूरी पे एक शौचालय है, पर वो पीपल के पेड़ के नीचे बनाया गया है, और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कृति में पीपल को एक सम्मानित दर्जा दिया गया है, तो वहाँ पे हमें वहाँ नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी रखी कि जब यहाँ पे महिलाएं भी आती हैं तो कहीं ना कहीं वो शर्म के मारे अपना मुँह भी फेर लेती हैं। अब तमाम सरकार क्या कर रही है, क्योंकि जो बस स्टैंड में भी एक शौचालय है और एक मेट्रो स्टेशन में भी, तो 5 रुपये शुल्क लेता है, ऐसा अंकल जी का कहना है। अगर सार्वजनिक स्थान पर अगर आधे आधे घंटे में किसी को सोच जाना पड़े तो 5 रुपये कहाँ से देगा, ऐसे लोग जो यहाँ पे प्रतिदिन अपनी कमाइयाँ करते हैं, तो ये भी आवाज़ उठनी चाहिए, और सरकार इस पर भी अपना काम करे, और हर जगह एक छोटे जो उन्होंने मुहिम चलाई थी 100 मीटर पर और एक शौचालय बनाने की, उसको भी उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आप सभी का क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर, क्या सच में शौचालय होने चाहिए हर क्षेत्र में, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे, क्या कहीं ना कहीं सरकार में भी सरकार की ये कमी है, अपनी राय जो व्यक्त करें। तमाम ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं कैमरा पर्सन मनजीत के साथ, मैं संजीव।